हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है काफी जबरदस्त होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं और अब तक हम लोग जो है 2009 से लेकर 2022 तक पहुंच चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एक क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करें, जो कि सब्जेक्ट हम लोग का होने वाला है हिस्ट्री यानी इतिहास। इसमें हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे प्रश्न है जो कि आप लोग को याद है या फिर आपकी तैयारी कितनी हो पाई है, कि अगर 2022 में अगर आप पेपर देते तो आपके स्कोर क्या होता। जैसे कि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर से पेपर से आपको 90% प्रश्न जो है बिल्कुल 100% पूछने की गारंटी है। इसलिए आपको कहूंगा जितने भी पेपर आप तक पूछे गए हैं सारे को आप लोग रिविजन कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारे पेपर को जो है ईयर बाय ईयर जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में अगर क्या चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कम टाइम पे अगर बेहतर इसको करना चाहते हैं तो सारे को देख लेंगे, इतना ही फायदा नहीं होता। आपको यहाँ से प्रैक्टिस होता है, रिविजन कर पाते हैं कितने प्रश्न आपको याद है, कितने प्रश्न आपको याद करने चाहिए, और आपको आइडिया लगता है किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में सेट होते हैं, ठीक है। अपने आपको जांच भी कर सकते, बहुत सारे बेनिफिट है, आप लोग को मैं कई बार बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं और 30 जो हम लोग करेगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 8 जो रहेगा हम लोग को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से पैटर्न आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न जो है सेट किए हुए हैं 2022 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। देखो आप में से काफी स्टूडेंट जो क्लास को देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप लोग को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। काफी मेहनत लगती है एक एक क्लास तैयार करने में, कॉन्टेंट बनाने में, तो आप लोग शेयर करेंगे हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए। बस यही एक छोटी सी आप लोग से विनती है, क्योंकि आप लोग चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी के साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग हर बच्चे तक हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे हमारे क्लास को, ठीक है। चलो ये जिम्मेदारी आप लोग को निभाना है। बहादुर शाह जफर को जो है देश निकालकर कहां भेजा गया था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, रंगून भेजा गया था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर कई बार बताया ये कि मुगल जो है सल्तनत का सबसे अंतिम बादशाह था। क्यों अंतिम था, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व करता था। इसके 2 बेटे और प्लस में 1 पोते, अंग्रेज ने इन तीनों को जो है क्या कर दिया, गोली मार के हत्या कर दिया और 1857 को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके हिमालय के किले से रंगून भेज दिया गया था। रंगून में 1862 को क्या होती है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो है ये मुगल वंश का सबसे अंतिम बादशाह कहलाता है। एग्जाम में पूछता है कि मुगल वंश का सबसे अंतिम बादशाह कौन होता है, तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को किस देश में भेजा गया था, रंगून, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। कब भेजा गया था, 1857 को मृत्यु कब हुई, तो 1862 को। कहां पे, तो वहीं रंगून। रंगून कहां पे है, बर्मा में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, काफी लाजवाब शानदार प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, ध्यान देंगे। जो 1857 था उस टाइम पे जो बने थे हाल ही में कैनिंग बने थे, ऑप्शन सी। इससे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। 56 तक जो है लॉर्ड डलहौजी, 1857 में कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखिए, कि व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध हो गया किससे, काफी शानदार प्रश्न है। व्यापकत्व के सिद्धांत यानी ऐसा सिद्धांत जिससे किसी अगर राजा हो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, उसका कोई बेटा नहीं हो, उसकी राजगद्दी जो सीधे अंग्रेज पे चली जाएगी। ये कैसा नियम लागू किया था, वो लागू कौन किया था, वो किया था लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी से संबंध होगा किसका, व्यापकत्व का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी, ध्यान देंगे, काफी शानदार प्रश्न है। आपको पता होगा 1857 की जो एक्चुअल तिथि जो थी मतलब क्रांति की, वो 31 मई को थी, बट ये 31 मई को ना होकर के 10 मई को हो गई थी। ऑप्शन आप लोग को ए करेक्ट करना है। अच्छा क्यों 10 मई को हुई थी, तात्कालिक कारण था जिसका नाम था चर्बी वाला कारतूस, जिसमें जो है ये सिपाहियों ने एक्चुअल में जो लोगों का ये प्लानिंग था कि 31 मई तक ये 1857 क्रांति हम लोग को अलग अलग जगह से स्टार्ट करना है, बट ये अचानक से अफवाह फैल गई चर्बी वाला कारतूस, जिसकी वजह से 10 मई को ही मतलब क्रांति जो स्टार्ट हो गई मेरठ से। किसने किया था, तो सिपाहियों ने किया था। किसने किया था, सिपाहियों ने। ये सिपाहियों कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वर्कर थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक की नौकरी करते थे इंडियन भारतीय, ठीक है। तो उन्होंने लोग नहीं जो है ये दंगा फैला अचानक से हिंदू मुस्लिम के प्रति, क्योंकि वहां पे चर्बी वाला कारतूस बताया गया था कि जो एनफील्ड राइफल में जो लगने वाला जो कारतूस है उसके जो है मतलब कारतूस जो बनाए जाते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, ठीक है। इसी अफवाह के कारण जो 10 मई से स्टार्ट हो गया था, कहां से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। याद रखें कब, 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट होती है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या आपको चल का हम लोग कह रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। देखो ध्यान से, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे आपको, तो सिंपली आपको यहां पे दिल्ली पे करेक्ट करना, नहीं सॉरी मुंबई पे करेक्ट करना है। अगर आपको इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
1911 को होती है और इंडिया गेट के निर्माण 1931 को होती है। ध्यान देंगे 1931 जो कि दिल्ली में है, 1911 जो कि बंबई में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण, देखो क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे इंडिया गेट का निर्माण, तो 1931 ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना, सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो होती है वो कब होती है। डेफिनेटली सभी को पता होगा तो भारत में रेलवे की शुरुआत होती है 1853 को, ऑप्शन सी सभी का आंसर चाहिए। विश्व में रेलवे की शुरुआत जो होती है वो 1825 को, सारे डेट आप लोग को याद रखना है। कहां से स्टार्ट होती है, लंदन से स्टार्ट होती है। अच्छा, भारत में जो पहली रेल चलती है कहां चलती है, तो मुंबई से थाने के बीच चलती है। कितना किलोमीटर चलती है, तो 34 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर, 34। अपना बिहार में रेलवे की शुरुआत कब होती है, तो 1860 को बिहार में रेलवे शुरुआत होती है। बात करें आपको रेलवे लाइन बिछाने की प्लानिंग जो है कब चलती है, कब स्टार्ट होती है, तो 1832 को जो है प्लानिंग बनाई जाती है कि भारत में रेल चलना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि वास्को डिगामा जो है भारत कब आते हैं। वास्को डिगामा के बारे में पूछ रखा है, बता दो कि आप लोग वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो बोले से हमारा जो आंसर होने वाला है वो 1498 को वास्को डिगामा जो है भारत आए हुए थे। वास्को डिगामा कब आए थे, 1498 को। कभी कभी डेट पूछ लिया था तो अलग अलग डेट पे मतभेद है, तो फिलहाल 17 मई जो ज्यादातर मिले हैं, तो आप लोग 17 मई ही याद रखना, 17 मई 1498। क्लियर है। चलिए बात करें कहाँ पे आया था, तो ये केरल में आया था। कहाँ आया था, केरल में आया था। केरल में जगह जिसका नाम है कालीकट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन पूछ रखे हम लोग को, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश शासन काल में जो धन प्रवास का जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है वो करता है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है इस क्वेश्चन का। आगे देखें क्वेश्चन, आगे पूछ रखा हम लोग कि भगत सिंह को फांसी जो दी जाती है वो कब दी जाती है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी जाती है। ऑप्शन आप लोग को ए पे करेक्ट करना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन कर हम लोग, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है किसे पराजित किया है, तो बाबर ने किसे पराजित किया। सबको पता होगा कि पानीपत की जो प्रथम युद्ध होती है उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। ऑप्शन बी पे करेक्ट करना है। कब होती युद्ध, तो 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन अपना बी होगा, तभी जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। चलो क्वेश्चन करा हम लोग को कि अकबर के दरबार में दरबार का प्रख्यात गायक जो था वो कौन था। तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक तानसेन, अपना आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट करना आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित, बता दो आप लोग। ताजमहल जो है वो यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी होगा, ताजमहल जो कि मुमताज की याद बनाया था, मुमताज जो कि आसफ खान की बेटी थी। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। कह रहा है हम लोग को 16 कुल की नीति जो है वो किससे संबंधित है। 16 कुल के बारे में पूछता है कि 16 कुल का अर्थ क्या होता है, तो सार्वभौमिक शांति, इसका नीति जो संबंध है वो अकबर से है। किससे है, अकबर से। ऑप्शन बी पे आप लोग को टिक करना है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर जो है हटा दिया था। ध्यान देंगे, हिंदुओं पर से एक जजिया कर लिया था जो कि गैर मुस्लिम थे। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, हर एक चीज से, मतलब जो भी धर्म हो मुसलमान के अलावा, उससे एक कर लिया था जिसका नाम था जजिया। और 1564 को प्रथम बार जो है अकबर ने जो जजिया कर समाप्त कर दिया था। फिर ये जो जजिया कर दोबारा 1575 को जो है अकबर पुनः लागू करता, और फिर ये अकबर ने ही फिर 1579 को जो है ये पूरी तरह से खत्म कर देता है, पूरा क्लियर कर। ठीक है, याद रहेगा 1564 को प्रथम बार खत्म करता है अकबर, फिर जो है क्या कहते हैं कि 1575 में दोबारा लागू होता है, और 1579 को पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर यही चलता है सिलसिला, और आता है औरंगजेब। कौन आता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब ने इसको दोबारा 1679 को दोबारा फिर से लागू करता है। कब, 1679 को दोबारा लागू करता है, जबकि यहाँ 1579 को जो है खत्म कर देता है अकबर। ठीक है, ये सारी डेटा आप लोग को क्लियर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जी एस लेविदेव को रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। आंसर अपना सी पे करेक्ट जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्फी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बता दोगे 17 का क्या आंसर करना है, तो आंसर 1986। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 18 कर रहा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय
विजयनगर का महानतम शासक था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कौन से वंश थे? ये तुलु वंश थे, एग्जाम में आता है। कृष्णदेव राय कौन से वंश थे? तुलु वंश थे, ध्यान देंगे। और बात करें यहाँ पे तुलु वंश कौन सा वंश था, तो ये तीसरा वंश था। विजयनगर के शासन मतलब विजयनगर पे जो है मुख्य जो है चार वंश ने जो शासक किया था, कितने वंश? चार वंश, इसमें से तीसरा वंश था तुलु वंश। और तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली महाराजा कौन था? वो था कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कि पूरे विजयनगर का सबसे शक्तिशाली मतलब शासक माना जाता है। कह रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित, तो हम्पी की बात करें ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। किस हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। 19 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर ऑप्शन डी पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आगे पूछ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो कब होती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किस वंश ने करता है? तो बोलेंगे संगम वंश करता है। कौन से वंश करता है? संगम वंश। संगम वंश से कौन दो राजा दो भाई? तो हरियर और बुक्का, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 करके, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो यह अंगुत्तर निकाय क्या है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके अनुसार जो महाजनपद की संख्या जो मिलती है साक्ष्य ऑप्शन बी करना आप लोग को, 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 22 पूछ रखा हम लोग को, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करें बिंबिसार ने किया था। आंसर ऑप्शन ए पे आप लोग का करेक्ट जाना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल जो था वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल पूछ रखा है, डेफिनेटली आप बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 321 से 298 को चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल होता है। एक्चुअल में एनसीआरटी के अकॉर्डिंग तो 321 मिलता है, बट आसपास में आपको 323 दे रहा, तो यहाँ पे 323 ही देंगे ऑप्शन में। करेक्ट, विक्रम आदित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो विक्रम आदित्य की उपाधि की बात पूछा जाए तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य कहते हैं ना, ऑप्शन बी पे करेक्ट करना है आप लोग को, सभी का आंसर ऑप्शन बी ना चाहिए। इसी के दरबार में जो है नौ रत्न हुआ करते थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और एक अकबर के, ये दो राजा थे जिसके दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे। चलिए कह रहा हम लोग को अशोक किस वंश का शासक था, ध्यान देंगे अशोक की बात करें तो अशोक जो अपना हो जाएगा मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन अपने यहाँ पे बी आप लोग को करेक्ट करना है, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और मौर्य वंश का प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग को पता होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम शासक था, ध्यान देंगे। इसी ने खोज किया था 321 BC में। खैर हम लोग को मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक पूछ रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना के बारे में पूछ रखा है, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। कई बार एग्जाम में पूछा गया महाभारत की रचयिता कौन है, तो वेदव्यास है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कितने दिन तक महाभारत का युद्ध चला था? 18 दिन तक। किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन कर हम लोग को मनुस्मृति की संख्या कितनी है, तो मनुस्मृति की संख्या 18 है। ऑप्शन आप लोग को सी पे करेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि आश्रम अवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? तो चार प्रकार के आश्रम का उल्लेख है, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते कर हम लोग को, अश्वमेघ यज्ञ का जो है आयोजन जो है क्यों किया जाता था? बताओ 30 का आंसर क्या करोगे? तो अश्वमेघ यज्ञ का जो आयोजन करता था शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होने वाला है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष होती है? सबको पता होना चाहिए 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ध्यान देंगे। 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा होती है। दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को रिविजन करते चलना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कर हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, कभी आप लोग कंफ्यूज लगता है क्लियर नहीं होने वाला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रखा है, तो काफी बच्चे जो कि ऑप्शन नहीं बताते हैं राष्ट्रीय राज गोपालचार्य, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। प्रथम पूछ रखा सिराज गोपालचार्य कैसे मार सकते हो, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि सिराज गोपालचार्य अंतिम थे, ठीक है। अगर आपको पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे, तब सिराज गोपालचार्य का। सिर्फ आपको प्रथम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम भारतीय पूछे तभी सिराज गोपालचार्य बनना है, और अंतिम पूछे तो ये तो होगा ही, क्योंकि इसके बाद कोई है ही नहीं है, सिराज गोपालचार्य के बाद कोई नहीं बना, याद रहे। अगर आपको पूछे कि भारत के अंतिम कौन थे, तो भारत के अंतिम फिर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत 1947 के बाद बना, 1947 जब आजाद हुआ था हमारा देश, तभी स्वतंत्र भारत नाम पड़ा, उससे पहले जो सिर्फ भारत नाम था, ठीक है। तो भारत के अंतिम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, अगर स्वतंत्र भारत के अंतिम पूछे तो सिराज गोपालचारी है। क्वेश्चन पूछ रहे का हम लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है, कौन स्थापना करते हैं? एवो ह्यूम, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन ए अपना करेक्ट होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है जय हिंद का नारा किसने दिया था। सो जय हिंद का नारा पूछ रखा है सुभाष चंद्र बोस पे टिक करेंगे। ऑप्शन हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व पूछ रखा है सर 1939। एक शिफ्ट नंबर 1939 35 का अपना आंसर ऑप्शन ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए करेक्ट पाकिस्तान एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व पाकिस्तान अच्छा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। 2014 अगस्त 1947 को जो है भारत जो है दो टुकड़े में बटा था पाकिस्तान और भारत ठीक है हिंदुस्तान। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी करेक्ट करना है। 15 अगस्त को जो है भारत जो है देश हुआ ठीक है स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर। आपको ऑप्शन ए पे करेक्ट करना है। भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता माने जाते हैं और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अच्छी तरह से रिविजन करते रहना है। कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ था सबको पता है भारत जो है 1947 को होता है लेकिन गणतंत्र की बात करें तो संविधान जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। इसलिए तब से हम लोग जब प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सीराज गोपालचारी नहीं होगा वल्लभ भाई पटेल। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ऑप्शन ए पे टिक किया 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए जो लियाकत अली थे ना पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री थे ना। ऑप्शन हम लोग का बी पे करेक्ट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह से रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य की बात करें रैदास बिल्कुल थे धन्ना एवं पीपा बिल्कुल थे कबीर बिल्कुल थे। इनमें से सभी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को तलवंडी किसका जन्म स्थान था। देखो ध्यान से तलवंडी के बारे में पूछ रखा 42 का अपन लोग का आंसर क्या होगा। तलवंडी की बात करें सर तलवंडी ये तो गुरु नानक का हो जाएगा जिसको नानका नगर भी कहते हैं ना। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 42 का क्या जाएगा तलवंडी किसका जन्म स्थान होगा नानक का ठीक है गुरु नानक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछ रखा है तो अपना आंसर जो होने वाला है वो कई बार दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपको मैं मतलब बार बार समझाता हूँ इसको आप लोग तीनों को याद रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में और आगरा में किसकी है तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सॉरी आगरा में बोलते सलीम चिश्ती की दरगाह और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ठीक है याद रहेगा। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आगरा में सलीम चिश्ती जो कि फतेहपुर में आगरा के फतेहपुर में है। कह रहे हम लोग काशी में किस प्रसिद्ध संत का जो है जन्म होता है कबीर का जन्म होता है किसका कबीर का ऑप्शन बी 44 का आंसर ऑप्शन बी पे आप लोग को टिक करना है। आगे देखते क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा हम लोग को बीजक में किसकी उपदेश संग्रह थे। ध्यान देंगे बीजक के बारे में पूछ रखा है बीजक में तो कबीर का उपदेश संग्रह हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर के कविताओं को बीजक कहा जाता है तो क्या हो जाएगा बीजक में कबीर के उपदेश संकलित हो गए। आगे बढ़े क्वेश्चन कह रहा हूं ह्वेनसांग किस देश का अध्यक्ष था। ह्वेनसांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है पहला प्रथम छात्र आए थे चीनी छात्र है मे भी शायद तो ऑप्शन आप लोग को सी बताना है ये तो चीन के थे ही लेकिन प्रथम थे या फिर क्या थे ये तो मुझे नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है कि प्रथम ही थे शायद ये। चलो कह रहे हम लोग को तहके हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है। तहके के हिंद में जो है अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत मिलता है ऑप्शन ए होगा चाहे तहके के हिंद पूछे या किताबुल हिंद पूछे आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है अरबी भाषा में। क्वेश्चन 48 ध्यान देंगे कर हम लोग को मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। डेफिनेटली हर एक बच्चों को पता होगा कि मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था वो नाम था मेगास्थनीज क्या जाएगा मेगास्थनीज ऑप्शन बी जो कि इंडिका के लेखक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 ध्यान से लिखिए कह रहा है अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था तो बोलेंगे सर ये तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिन की बात करें आपको पता हो कई बार मैंने आप लोग बताया कैप्टन हॉकिन ये जो है जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल जो 1605 से 1627 था। एग्जाम में पूछता कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब था 1605 से 1627 और कैप्टन हॉकिन कब आया था। तो कैप्टन हॉकिन जो आया था 1609 को कब पहुंचा था 1609 को और ये इंग्लैंड से कब आया था तो इंग्लैंड से आया था ये 1608 को जो इंग्लैंड से निकल चुका था और 1609 को जो है
जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंग जो कि पहुंचा था, इससे पहले कोई भी अंग्रेज मुगल काल के दरबार में नहीं पहुंचा था। चलिए आगे देखिए किसके लिए पहुंचा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रचार प्रसार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एग्जाम में कई बार पूछा है, इसी के प्रचार के लिए जो है क्या गया था, कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि आयने अकबरी कितने भागों में विभाजित है। आयने अकबरी जो कि अकबरनामा का भाग है, अकबरनामा 3 भागों में, उसका तीसरा भाग का नाम है आयने अकबरी, और ये पुनः जो है 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में। ऑप्शन सभी का डी आना चाहिए, 51 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 52 देखिए, कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, तो अपना आंसर होने वाला यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कब स्थापित की थी, तो 1327 को, कई बार मैंने बताया, और फिर जो है पुनः दोबारा जो है 1329 को जो है पुनः ये दिल्ली से दौलताबाद की जगह मतलब जो किया था, दौलताबाद से फिर पुनः दिल्ली लेके आ गया था, क्योंकि राजधानी चेंज करना इसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था, ठीक है। तो दोबारा लिखा, ये कौन सा शासक था, मे भी दूसरा शासक था तुगलक वंश का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम जो कि अकबर की फूफी थी और हुमायूं के बहन, हाँ हुमायूं की बहन थी, ठीक है। तो बोले सर ये किसके, तो अकबर के आग्रह पर, ऑप्शन अपना ए पे करेक्ट करना आप लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि बादशाह नामा जो है किसने लिखा था। देखो ध्यान से, बादशाह नामा के बारे में पूछ रखा अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा किसके बारे में लिखा गया, तो शाहजहां के बारे में लिखा गया, जैसे जहांगीर जहांगीर नामा जहांगीर ने लिखा है, अकबर नामा अकबर के बारे में मिलता है, बाबर नामा बाबर के बारे में, उसी तरह बादशाह नामा शाहजहां के बारे में लिखा गया। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि शाहजहां के काल में प्रसिद्ध इतिहासकार था वो। कह हम लोग फतेहपुर को राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर को राजधानी अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन ए 55 का आंसर, हम लोग का आंसर ऑप्शन ए सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही जो है शुरू किया था। तो दीन इलाही 1582, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए कह रहे हम लोग को अकबर का संरक्षक कौन था। ध्यान देंगे अकबर का संरक्षक पूछ रखा है बैरम खान, ऑप्शन ए है ना। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर है ना, ऑप्शन ए कब करता है, 1600 बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब करता है, तो 1526 को, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को भारत का अंतिम मुगल सम्राट बताया मैंने कई बार पूछता है, अंतिम और प्रथम बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। इसकी मृत्यु कब होती है, 1862 को, कहाँ पे होती है, रंगून में, जो भेजा था वर्मा अंग्रेज ने भेजता ना 1857 क्रांति में हिमायू का किला से पकड़ के, 1857 की क्रांति में हिमायू का किला से पकड़ता है और क्या करते हैं कि इसको रंगून भेजता है, इसके दो पुत्र और एक पोता की जो हत्या करता है अंग्रेज ने। कह रहा है कि अकबर की क्यों हत्या करता, ताकि मुगल वंश का दूसरा सल्तनत बने और दो मुगल वंश जारी ना रहे, ठीक है। अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 1984 या कान कब हुआ था, 1922, ऑप्शन डी 1922, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, और 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इसी में क्या होते हैं कई भारतीय आक्रोश में आकर के पुलिस थाने में आकर के आग लगा दिया, जिसको 1984 हत्याकांड कहते हैं। ये यूपी में था, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं, लाला राजपत राय, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कर हम लोग को, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928, साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कर हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो कि दांडी से शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 को होता है, दांडी से नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी शुरू करता है ये आंदोलन, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे चार आंदोलन, जैसे ये 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन जो कि मे बी 1919 या 22 को कुछ होता है, कंफर्म कर लीजिए एक बार, असहयोग आंदोलन 1920 को होता है, कब होता है, 1920 को, यह 1922 को शायद 20 को, देखो एक बार 21 एक लोग कंफर्म कर लीजिए, स्वदेशी आंदोलन, और कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं हम लोग को दांडी किस राज्य में, देखो दांडी का पूछ रखा है, दांडी ये तो हमारा गुजरात में, दांडी कहाँ पे, गुजरात में, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होने वाला है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहाँ शुरू किया था, तो सबको पता होगा ये चंपारण में किया था, कहाँ पे किया था, चंपारण, ऑप्शन डी, कब किया था, 1917 को, कब किया था, 1917 को किया था, है ना, याद रहेगा। चलो जी, इसमें जो है जो जबरदस्ती जो है नील की खेती कराई थी अंग्रेज द्वारा, जिससे किसान जो है परेशान होते, क्योंकि
किस जमीन की जो उर्वरता शक्ति थी वो नील की खेती करने से खत्म हो जाती थी, और साथ ही साथ 3 कट्ठिया पद्धति प्रणाली थी जिसमें 3 कट्ठा जो अंग्रेज को देना पड़ता था और 1 कट्ठा ही किसान को होता था। तो ये किसान काफी परेशान हो गए थे, इसलिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। ये राजकुमार शुक्ल से किसान अनुरोध किया, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा। फिलहाल क्वेश्चन सही से कहा, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, देखो ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन, रौलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था, देखो रौलेट एक्ट के बारे में पूछ रखा, 1919 को रौलेट एक्ट होता है जिसमें इसे काला कानून के नाम से जानते हैं, अंग्रेज का एक कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए बिना किसी सबूत के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता था, सिर्फ संदेह के आधार पर, कि शक हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसा कांड किया होगा, बस संदेह के आधार पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए 69 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन, कह रहे हैं हम लोग को कि बंगाल की विभाजन घोषणा 1905 को, मुस्लिम की स्थापना 1906, बंगाल विभाजन 1905, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया था 1911 को स्थानांतरण, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, हम लोग को पूछ रखा दक्कन दंगा आयोग क्या, दक्कन दंगा आयोग जो 1875 को हुआ था, ऑप्शन रहेगा दक्कन दंगा आयोग क्या है, कि किसानों को एक तरह का ऋण कर्ज दिया था, अंग्रेज ने कहा कि तुम खेती करो तुमको ऋण दी जा रही है, और किसान जो है लालच में काफी ऋण ले चुके थे और इस वजह से और भी वो गरीब बन गए थे। फिर उसके बाद किसानों को धमकी दिया गया कि अगर तुम लोग ऋण चुका दो तो तुम लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी जमीन हड़प लिया जाएगा। इससे जो अचानक से दंगा हुआ जिसका नाम पड़ा दक्कन दंगा आयोग, 1875 को हुआ था। फिर किसान जो काफी आक्रोश हो गए, ये दंगा तेजी से फैलने लगा, फिर उसमें सब कुछ समाजबूझ अंग्रेज जो है दिमाग लगा और कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे ऋण को धीरे धीरे माफ करने की कोशिश की जाएगी, जितना हो सके जमा करो और आप लोग जो है खेती पे लग जाओ। इस तरह जो है किसान जो है धीरे धीरे शांत हुआ था, कब कहा था, 1869 को कहा था, और 1869 के बाद धीरे धीरे दक्कन दंगा आयोग में शांत होने लगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कर रहे, कॉर्नवालिस कोड कब बना था, ध्यान दीजिए कॉर्नवालिस कोड 1793 को बना था, कब बना था 1793 को, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड के तहत जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कॉर्नवालिस जो की अंग्रेज वे ये क्या थे, एक व्यक्ति थे। जमीनेकू क्या है, जमीनेकू एक भूभाग है जिसके लिए संथाल लोग युद्ध करते थे अंग्रेज के खिलाफ, जमीनेकू संथाल हुआ था 1855 को इसी जमीनेकू के लिए, जिसमें जो है संथाल की जमीन थी और जबरदस्ती जो है अंग्रेज चाहता था कि वो जमीन हम लोग को मिल जाए, उसका टैक्स मिले, और संथाल देने को तैयार नहीं, इसलिए ये युद्ध हुआ था जिसमें फिर संथाल की हार हो गई थी क्योंकि संथाल के पास उतनी मजबूत सेना नहीं थी, अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार वगैरह थे ना। चलो महलवाड़ी भूराज व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया था, ये देखो तो क्या होगा इस क्वेश्चन का, लॉर्ड वेलेस होगा 74 का क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ 74 का जो आंसर होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने सी बता रखा 74 का एक बार कंफर्म भी कर लेना आप लोग। आगे देखिए क्या, आप लोग को संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, बताया आप लोग को मैंने, सिद्धू और कौन संथाल विद्रोह के नेता थे ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि फ्रांसिस बुकानन कौन था, एक सर्वेक्षक था, कौन था एक सर्वेक्षक, ऑप्शन हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि स्टेनर कंपनी का स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी का होती है, ऑप्शन हम लोग का बी पे करेक्ट जाएगा, 77 का क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, देखो इसके गोद लिए पुत्र का नाम जो था सदसीबाई होगा, मर्दन या फिर दामोदर राव, बताओ तो 78 का क्या आंसर करोगे, तो अपना आंसर ऑप्शन सी होगा दामोदर राव। आगे देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 79 जगदीशपुर में 1857 के द्वारा नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर क्या होगा कुंवर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, 1857 के उद्योग के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन, कह रहा कि महावीर स्वामी का जन्म, इसका जन्म होता है 540, ऑप्शन ए, कहीं भी आपको 599 में मिलता है ना, तो फिलहाल बुक के अनुसार आपको 540 याद रखना, ऑप्शन ए। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा कि दिगंबर एवं श्वेतंबर जो है किस धर्म से, ये आपका दिगंबर स्वतंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, ऑप्शन सी हम लोग को करेक्ट करना है। एक ही तरह से एक हिंगन और महायान जो कि बौद्ध धर्म से, दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, काफी लाजवाब है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, स्वतंबर जो सफेद वस्त्र पहने थे, दिगंबर जो बिना वस्त्र के थे, ठीक है। आगे देखिए कर हम लोग को, सांची मध्य प्रदेश के किस राज्य में, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ पे रायसेन, ऑप्शन बी भी हम लोग को करेक्ट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किसने करता है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जिसका अभिषेक जो होता है राजाभिषेक 269 BC को होता है, और ये कलिंग का युद्ध कब जाता है 261 BC को, दोनों डेट इंपोर्टेंट है, कई बार मैं आप लोगों को याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अकबरनामा किसकी कृति है, अकबरनामा ये जो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा के 3 भागों में बांटा गया, जिसका तीसरा भाग का नाम है आयने अकबरी। तो आपको अकबरनामा या आयने अकबरी दोनों के बारे पूछ सकता है कि आयने अकबरी किसकी कृति है, तो अबुल फजल, अकबरनामा किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, तो अबुल फजल।
शेरशाह ने चौसा का युद्ध जो है किससे पराजित किया था? हुमायूं को। किसको? हुमायूं को 1539 या 40 में भी शायद, देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को। जीतल जो है किस धातु का होता था? जीतल की बात करें, ये पीतल या तांबा या चांदी, जीतल क्या होगा? 87 का था फटाफट से, 87 का हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन हम लोग का जो है सी का तांबा था। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को। कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल बताया आप लोग को मैंने 1605 से 1627, ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन करें हम लोग को, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? अकबर के काल में जो है आयन अकबर के अनुसार मिलता है कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन डी। नवरत्न किसके दरबार में थे बताया आप लोग को? मुगल काल की बात करें तो अकबर, और गुप्त काल की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। निम्न में से कौन हरप्पा सभ्यता का जो है नगर है? हरप्पा सभ्यता नगर लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, विजयनगर, जो कि इसकी स्थापना 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हरिहर बुक्का ने करता है, यह हड़प्पा सभ्यता का अंग नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं है, नगर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करती है? 1784 को करते हैं। कब? 1784 एशियाटिक सोसाइटी, जो कि उस टाइम पे जो एक बड़ी संस्था थी जहां पर रिसर्च वगैरह होता था अलग अलग चीजों के बारे में। दयाराम साहनी ने हरप्पा सभ्यता का उत्खनन कब करता है? हरप्पा सभ्यता पूछ रखा है, 1921 करेंगे, ऑप्शन है, क्योंकि हरप्पा सभ्यता सबसे पहला शहर जो हरप्पा खोजा गया था, इस वजह से सभ्यता का नाम हरप्पा पड़ता है। 1922 में किसकी खोज होती है? तो मोहनजोदड़ो की खोज होती है, आरडी बनर्जी करता है। धौलावीरा किस राज्य में बताओ फटाफट से? 94 का आप लोग क्या आंसर करेंगे? धौलावीरा। चलो धौलावीरा की बात करिए, गुजरात में, अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो हमारा हो जाएगा ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा, ऑप्शन अपना डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़े क्वेश्चन क्या को, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर जो है किस नगर में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर की बात, यह मोहनजोदड़ो है ना, ऑप्शन ए पे आप लोग करेक्ट करना है, 96 का। आगे देखते क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? सिक्के है, अभिलेख है, जो जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम पुरातत्व के अंतर्गत रख सकते हैं, बाकी को नहीं रख सकते हैं। जैसे साहित्य पुस्तक ग्रंथ हम लोग जमीन के अंदर से थोड़ा निकालते हैं, इसको हम इतिहास के बारे में जानकारी तो मिलती है, बट ये जमीन पृथ्वी के गर्भ से नहीं निकालते, बाकी सबको निकालते हैं, साहित्य जो इसको हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला। क्वेश्चन कर आप लोग को, लोथल किस नदी के किनारे से? लोथल पूछ रखा है, लोथल अपना हो जाएगा भोगवा नदी, जो कि गुजरात में है, लोथल जिसको बंदर का शहर भी कहते हैं, ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। आगे देखिए कर हम लोग को, त्रिपिटक किस धर्म से? त्रिपिटक की बात करें, ये अपना हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से जगह? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी पे आप लोग करेक्ट करना है, 99 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा है हम लोग को, राज तरंगिनी जो है किसने लिखा है? राजपूर और राज तरंगिनी, तो सर ये कौटिल्य, कौटिल्य तो अर्थशास्त्र लिखा है, ये तो नहीं होगा, कलहन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विशाखा आजाद क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। पानी ने क्या लिखा आपको बताना, क्वेश्चन बताना है 100 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 100 का आपको फिलहाल ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है, और बताना है क्वेश्चन पानी ने किसने लिखा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 यानी 100 एमसीक्यू कंप्लीट किया है। कितने एमसीक्यू? 100 एमसीक्यू। अभी आप लोग को भागना नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। क्या? सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करना है, आपको होमवर्क दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, और पूरी ईमानदारी से आप लोग को लेना है, उसके बाद ही क्लास अटेंड करना है। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, अब क्या कर रहे हो, अब तो लाइक कर सकते हैं, फटाफट से आप लोग लाइक कर दे जल्दी से, जितने बच्चे लाइक नहीं किए, और चलते हम लोग सब्जेक्ट इधर, फटाफट से आप लोग लाइक कर दी दो, क्या करना है, लाइक कर ही देना है। चलो देखो, मैं आप लोग को सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ हमेशा की तरह, रिसर्च खुद से करना ताकि आपके नॉलेज होगा, और मैं दे दूंगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, और आपकी प्रैक्टिस में एग्जाम आप लोग लिख पाएंगे, तो इसलिए आप लोग काम चोर नहीं बनेंगे, होमवर्क बनाएंगे पूरी ईमानदारी से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उसकी जोड़े का परिचय दें। खालसा पंथ की स्थापना कैसे कब हुआ था? यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। फिलहाल आपको 3 से लेकर 6 तक का स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से जल्दी से। चलो 7 से लेकर 9 तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लो। उसके बाद देखो 10 से लेकर 13 तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट से। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए हम लोग को 14 से लेकर 17 तक का लेना है, फटाफट से लीजिए, ले लिया। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आप लोग को 18 से लेकर 21 का लेना है, फटाफट से लो, ले लिया। उसके बाद देखो 22 से लेकर 25 तक का लेना है, ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद 26 से लेकर 29 तक का लेना है, ले लिया। चलिए आगे देखें,
30 से लेकर के यहाँ 31 तक का लेना है, और 30 तो वहाँ 2 मार्क्स वाले थे, 31 चला क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद 32 से लेकर के 35 तक का फटाफट से लीजिए आप लोग, ले लिया। हाँ आगे देखिए, ये यहाँ पे देखिए 36 से लेकर 38 तक पूरा क्लियर हो गया। चलो जी, तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। और हम लोग का बस एक रहा है सेट 2023 वाला, उसके बाद हम लोग का महामैराथन चलने वाला है बहुत ही जल्दी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे तक शेयर कीजिए और एक बच्चे को लेकर के आइए हमारे पास, ताकि मैं जो कर रहा हूँ इतना मेहनत जो कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ये मेरा मेहनत जो बर्बाद नहीं हो, हर एक बच्चे तक पहुंचेगा तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, आप लोग को भी अच्छा मिलेगा, इसका फल जरूर मिलेगा, आप लोग मेरे लिए मेहनत करेंगे। तो हर एक बच्चे, जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, हर बच्चे को बोलेंगे, फ्रेंड को बोलेंगे कि बिहार एजुकेशन पे आप लोग क्लास जुड़ना है। और क्लास का टाइम आप लोग को पता ही होगा सुबह के 6:30 बजे, तो अभी 6:45 हम लोग करने वाले हैं, और 11 बजे तो टेस्ट होती है, और शाम के 5 बजे एंड वो भी टाइम 5:30 बजे होगी, और 6:30 बजे इस टाइम पे क्लासेस होती है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन किए हुए, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता ही है। फिर भी नहीं मिलता नंबर दिया हुआ, मैसेज करके आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं सारा अच्छा आप लोग को शेयर करते रहूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।